अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो मौजूद हैं वो है हुसैनाबाद की स्ट्रीट पे जायकेदार हलीम और जायकेदार नली बिरयानी और दाल चावल, चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी की शॉप पर। ये है हुसैनाबाद पर मौजूद। तो आज हम इसके बताएंगे आपको रेट नली बिरयानी के, चिकन बिरयानी के, चिकन पुलाव के, जायकेदार हलीम के और शामी कबाब के। इन सब के रेट हम आपको बताएंगे इन सब के रेट हम आज आपको बताएंगे। आइए चलते हैं, इनसे ख़ुद पूछते हैं कि इनके रेट्स क्या हैं और आपकी टाइमिंग क्या है इनकी शॉप ओपन होने की। चलें आइए, ये देखें ये इनकी शॉप है, ये इसकी लोकेशन है। ये देखें, ये तैयबी होटल है और इसके बराबर में जो है इनकी ये शॉप है, जायकेदार हलीम और नली बिरयानी। ये देखें, ये हुसैनाबाद स्ट्रीट पे है, ये इनकी लोकेशन है। बराबर में जो है इसके कराची आइसक्रीम है और फ्रंट पे जो है बंस रोड की मशहूर बिरयानी है, बंस रोड की मशहूर बिरयानी। ये इनकी शॉप की लोकेशन है, बोलान रेस्टोरेंट भी है इसके सामने। ये देखें, ये आपको मैंने कंप्लीट लोकेशन बता दी है इस शॉप की और कीमतें भी हम इंशाल्लाह आपको इनसे पूछ के अभी बताते हैं। चलें आइए देखते हैं। ये किस चीज़ की चिकन बिरयानी है? सही है, बीफ बिरयानी, नली नली बीफ बिरयानी। सही है, ये देखें जी, नली बीफ बिरयानी है। ओके जी, सही है। और क्या है? फिर दिखा दे यार ज़रा, फिर मैं बाद में। ये बीफ हलीम है। दाल है? कौन सी दाल होती है? मिक्स दाल है। ये चिकन चना। अच्छा, चिकन भी मिक्स होती है इसमें? चिकन का रेशो जो चल रहा है आजकल ज़बरदस्त होती है यार, बहुत मज़ेदार होती है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये क्या आप दाल चावल लेने आए? तो ये क्या आप खाते रहते हैं या खास इधर के आते हैं? दो से तीन दफ़ा ज़रूर लेकर जाते हैं। अच्छा, इसमें इस दाल में क्या खास बात है? इसके अंदर और डिफरेंट जगहों से बड़ी मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है, बहुत अच्छा है। अच्छा। और ये समझने के घर जैसा जाएगा। अच्छा, इसमें क्या मिला हुआ क्या होता है जो आपको पसंद है इसमें? इसमें लौकी भी आप सब्जी का भी टेस्ट आ रहा है इसमें। अच्छा। चिकन का भी टेस्ट आ रहा है, अगर मीट चाहते हैं मीट का भी टेस्ट आ रहा है। अच्छा। और दाल तो ऑलरेडी है। मीट क्या है, मतलब चिकन का होता है या बीफ? चिकन, चिकन होती है। तो चिकन दाल चावल? चिकन दाल चावल। तो ज़बरदस्त, ये मिक्स दाल होती है ना? अच्छा, ये दाल जो है इसमें क्या क्या, कौन कौन सी दाल है? मूंग की दाल भी है, लौकी भी है। और लौकी भी है, चिकन का रेशा भी है। चिकन का रेशा भी है इसमें। तो ये क्या हलीम तो नहीं है कहीं? हलीम की तरह बने हुए? हलीम अलग है, हलीम की तरह नहीं है। अच्छा, हलीम हलीम अपनी जगह है। अच्छा, हलीम अपनी है। कैसी होती है, मज़ेदार होती है? मतलब नई रेसिपी है बिल्कुल। हाँ सही है। डालना
ये देखें जी, चिकन पुलाव लिया है इन्होंने अभी। ये आपको अभी हमने दाल का बताया, इसमें लौकी है, मिक्स दाल है और चिकन के रेशे जो होते हैं इसमें मिक्स किए जाते हैं इस दाल में। हालांकि घर में ऐसी जो है चिकन वाली दाल बनती नहीं है, ये लोग यहीं से लेने आते हैं। क्या हलीम टाइप की जो है ये दाल है, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग एक दफ़ा आके यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। ये दाल है मिक्स दाल चिकन के रेशे के साथ बॉयल और लौकी मिक्स है इसमें। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस दाल की जो है। आपने पहली दफ़ा ये सुना होगा कि चिकन भी मिली हुई होगी दाल में। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर आपका नाम? इमरान भाई। आपके शॉप का नाम बताएं। जायकेदार नली ब्रिंद। जायकेदार हलीम। अच्छा, तो आपके मेन्यू में क्या है? काफ़ी आपने वैरायटियां रखी हुई हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके? हमारे पास चिकन बिरयानी है, बीफ नली बिरयानी है, दाल चावल है, चिकन का रेशा जिसमें होता है, हलीम है, पुलाव है, शामी कबाब है। अच्छा, ये नली जो है ये आपके क्या अलग से मिलती है या उसमें मिक्स होती है? मतलब नहीं, नली अलग से आती है। अच्छा, नली मिल जाती है, उसी में डाल देते हैं जी। उसके एक प्लेट के साथ जो एक नली मिलती है जी, एक प्लेट के साथ एक। तो ये नली की क्या सिंगल प्लेट कितने की है? ये 350 रुपये की है, हाफ के जी वेट होता है इसका। एक से डेढ़ बंदा आराम से खा लेता है ये, इसको एक से डेढ़ चाहिए। और हलीम की सिंगल की प्लेट कितने की? हलीम 140 रुपये की। 140 रुपये की प्लेट है ये। बीफ हलीम है ये? चिकन बीफ हलीम। बीफ हलीम है। और डबल कितने की है? डबल 280 की। और इसके अलावा आपके पास है चिकन बिरयानी। इसके क्या है सिंगल चिकन बिरयानी के? चिकन 190 की है, पुलाव 190 का है। अच्छा, दाल चावल। और दाल चावल, दाल के क्या है आपके सिंगल प्लेट? दाल चावल 120 रुपये। 120 रुपये, उसमें चावल भी होते हैं? चावल और दाल भी होती है। चावल भी है, अचार भी है, शामी कबाब भी है, उसके अलग प्राइस हैं। अच्छा, तो दाल चावल 120 रुपये के दोनों मिला के या अलग अलग? दोनों मिला के। सही है, ठीक है। तो ये आपकी ये टाइमिंग क्या है इसकी? इसकी सुबह 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। अच्छा, तो ये इसके अलावा शामी कबाब की क्या आपके? शामी कबाब 80 रुपये। 80 रुपये का एक 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 है, वो बीफ के होते हैं जी। ये देखें जी, इनका सिटिंग एरिया भी है, फैमिली रूम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मुझे 1.5 महीना हो गया है। एक 1.5 महीना हो गया? हाँ, 1.5 महीना हो गया। अच्छा, कैसा मज़ा आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा है। अच्छा, सारी चीज़ें आप सर्व वगैरह करते हो, पकाते भी हो क्या? नहीं, सर्फ? मैं पकाता नहीं हूँ, सिर्फ सर्व करता हूँ मैं यहाँ पर लेटर। चलो ठीक है। ये देखें इनकी जो है बीफ हलीम है, ये बीफ हलीम है इनका।
और बहुत ही ज़ायक़ेदार हलीम है इनका, ये मैंने खाया हुआ है और इसीलिए मैं आपको जो है इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये बहुत मज़ेदार हलीम है। आप लोग भी आइए और इधर आके एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट कीजिए। हली बिरयानी इसमें नली आ जाती है पैकेट में आपके? नहीं नहीं, नली अलग, एक अलग, एक ऐड होगी। नली अलग देते हैं आप लोग? अच्छा, ये बताओ आप कि ये जो हलीम है आप, ये आप है ना मशीन में बनाते हो? ये हाँ, ये मशीन में होती है तैयार? आप घोटे से यानी ये मैनुअली नहीं वो करते? घोटा इस्तेमाल नहीं करते, ये मशीन तो है, उससे ये घोटा ही करते हैं। अच्छा, ये बीफ हलीम है ये? जी बीफ हलीम है। और नली भी आपके इसी तरीके से, नली आप अलग देते हो? हाँ नली अलग देते हैं। अच्छा, नली में से निकलते, ये किस चीज़ की नली होती है, भैंस की या गाय की, बछिया और बछड़े की? ये बछड़े की हो रही, बछिया की ना? ठीक है, और कुछ यार बताएंगे ज़रा? हाँ, इसकी टाइमिंग क्या है आप लोगों की? हमारी टाइमिंग जो है सुबह 11 से रात 3 बजे तक की है। अच्छा, सुबह 11 से रात 3 बजे तक, 7 डेज, मतलब छुट्टी तो नहीं होती ना? नहीं भाई, चावल ज़्यादा है। के साथ ही हम इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमने आपको जो इधर की कीमतें, मेन्यू के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है और लोकेशन भी आपको बता दी है, टाइमिंग भी बता दी है, और आप लोग इधर आइए एक दफ़ा और ट्राई करिए। बहुत ही मज़ेदार और अच्छा इनका जो है मेन्यू है, मतलब बिरयानी, हलीम, दाल चावल, पुलाव, हर चीज़ इनकी जो है बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग एक दफ़ा आके इधर ज़रूर ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।